जुम्मे में शनिवार को पीईटी परीक्षा के बाद से परीक्षार्थियों के भारी भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन पर अचानक हालात बिगड़ गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक महिला बेहोश हो गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 15 और 16 अक्टूबर को यूपी प्रिलिमिनरी और एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया गया। पीईटी परीक्षा के लिए इस साल तकरीबन 37 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा। कल परीक्षा के बाद से यूपी के तमाम रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आई। खचाखच रेलवे स्टेशन बस स्टैंड भरे हुए दिखे। छात्र जबरदस्ती ट्रेनों में घुसने की कोशिश करते दिखे। भारी अव्यवस्था के बीच में यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कानपुर, सीतापुर, वाराणसी, तस्वीरें आपके सामने। बस छात्र छात्र किसी तरह से वो ट्रेन के भीतर घुस जाए, परीक्षा अपने केंद्र तक पहुंच जाए और केंद्रों से लौटते वक्त भी बिल्कुल यही तस्वीर नजर आए। आज ये अव्यवस्था ना हो, इसके लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाने के लिए बसेस की व्यवस्था करने की बातें कही गई हैं, लेकिन अब देखना ही होगा कि आज इंतजाम दुरुस्त दिखते हैं नहीं, लेकिन कल जो तस्वीरें आए उसके बाद से विपक्ष के निशाने पर भी सरकार आ गई।